देखिए एग्जाम्पल नंबर वन आपको मिलेगा, कह रहा है इफ एक्स इज इक्वल्स टू ए, ध्यान दें उन्होंने आपको बोल दिया है इफ x इज इक्वल्स टू a, यानी कि x की वैल्यू a आपको दे रखी है, कह रहा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑलवेज ट्रू फॉर एन इंटीजर k. तो ये देखिए ये टोटल फोर ऑप्शन दिए, इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है, ध्यान देना कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है फॉर एनी इंटीजर k, मतलब k क्या है, k इज सम इंटीजर, k इज सम इंटीजर, ठीक है बच्चों. अब ध्यान दो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है. तो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं, इंटीजर क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन टू, इसी तरीके से नेगेटिव डायरेक्शन में चलोगे -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन टू अप टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है. डॉट 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 लगा दिया माइनस इन्फिनिटी तक और इधर इन्फिनिटी तक, ठीक है बच्चों. इधर आप चलोगे इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक, पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन. तो ये सारे इंटीजर्स हैं, ध्यान रखिएगा इंटीजर में कोई भी डेसिमल वाला नंबर नहीं आता है, 2.5 या 5/2 ऐसा कुछ नहीं आता है, ठीक है ना. चलो अब देखते हैं x की वैल्यू इन्होंने हमको a दे रखी है, तो देखते हैं ऑप्शन ए. ऑप्शन ए में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू का मतलब है कि कौन सी इक्वेशन, देखो हर एक जगह इक्वल टू लगा हुआ है, कौन सी इक्वेशन ऑलवेज ट्रू नहीं होगी ये हमको बताना है. मतलब आप एक बार लेफ्ट हैंड साइड चेक करिए, फिर आप एक बार राइट हैंड साइड चेक करिए और देखिए इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है. जैसे कि ऑप्शन ए, तो बच्चों इसका लेफ्ट हैंड साइड कितना है, इसका लेफ्ट हैंड साइड कितना है, ध्यान से चेक करिए, के एक्स, ठीक है, के एक्स. के एक्स का मतलब क्या होता है, के इंटू एक्स, ठीक. सो के इंटू एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है हमको, ए, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो एक्स की जगह हम ए पुट करेंगे, ठीक है बच्चों. नाउ अब आप ध्यान से चेक करो, ए इंटू के क्या होता है, के ए, ठीक, या फिर आप इसको ए इंटू के को ए के भी लिख सकते हो, के ए लिखो या फिर ए के लिखो, बात क्या है, सेम. तो लेफ्ट हैंड साइड हमने इसका एक्स इज इक्वल्स टू ए के लिए कैलकुलेट किया, एक्स इज इक्वल्स टू ए रखा हमने इसके लेफ्ट हैंड साइड में और हमको आंसर क्या मिला, ए इंटू के, यानी कि ए के, यानी कि क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और राइट हैंड साइड आ गया, तो देखा ये वाला ऑप्शन तो ट्रू है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो देखो बी को देखते हैं. अब देखिए बच्चों यहां पर अगर ऑप्शन बी को देखोगे तो यहां पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको कुछ पढ़ाना चाहता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए. देखिए अगर आपके पास कोई नंबर है बच्चों, ध्यान दें, अगर आपके पास कोई नंबर है 5 मान लो, ठीक, और 5 के नीचे अगर 0 आ गया तो पता है 5/0 कितना होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है. 5/0 कितना होता है, नॉट डिफाइंड, याद रखिएगा. किसी भी इंटीजर के नीचे अगर आपको 0 दिखाई पड़ रहा है तो वो नॉट डिफाइंड होता है. जैसे कि मान लीजिए -2/0, ये भी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड. और जो चीज़ नॉट डिफाइंड है उसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते हो. तो ध्यान से चेक करिए ऑप्शन बी में जो लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है, ठीक, ध्यान देंगे. देखिए ये, देखिए ये जो इक्वेशन है x बाय के इज इक्वल्स टू a बाय के. अब जैसे कि इक्वेशन नंबर वन जो थी, ठीक है ना, उसमें लेफ्ट हैंड साइड भी कितना आ रहा था, देखो x की वैल्यू a रखी थी तो a के, और राइट हैंड साइड तो है ही है ए के. अब आप के की वैल्यू कुछ भी रखो, के क्या है, कोई इंटीजर है, के की वैल्यू आप कुछ भी रखो. लेट अस से आपने के की वैल्यू 4 रखी, लेट अस से आपने के की वैल्यू कितनी रखी, 4, तो के की जगह 4 रखोगे, 4 इंटू ए, लेफ्ट में आ जाएगा 4a इज इक्वल्स टू 4 इंटू ए, राइट में आ जाएगा 4a. तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल होगा. अगर आप -4 रखते के की वैल्यू, अगर आप नेगेटिव रख देते, ये देखिए -4, तो लेफ्ट में आ जाता -4a, राइट में आ जाता -4a, ठीक. तो हर एक बार लेफ्ट हैंड साइड जितना होगा उतना ही राइट हैंड साइड होगा, के का आप कुछ भी वैल्यू रख दो. यानी कि के का कुछ भी वैल्यू रखने का मतलब है कि के क्या है, कोई इंटीजर है, तो के आप कुछ भी सिलेक्ट कर लो. अगर आप के की वैल्यू 0 सिलेक्ट करते हो, ये फर्स्ट ऑप्शन में अगर हम के की वैल्यू 0 सिलेक्ट करते हैं तो चेक करो, a इंटू 0 0 हो जाता, ठीक, और a इंटू 0 के की वैल्यू 0 रखते ना, और ये भी 0 हो जाता, a इंटू 0 0, तो लेफ्ट हैंड साइड भी 0 राइट हैंड साइड भी 0 दोनों इक्वल हो जाते. लेकिन यहां पर प्रॉब्लम है, ध्यान से सुनिए, के कोई इंटीजर है, यस सर, तो आप के की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, लेकिन आप के की वैल्यू 0 नहीं ले सकते हो. के इज इक्वल टू 0 के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है. आई रिपीट, फॉर के इज इक्वल टू 0, मेरी बात ध्यान से सुनो, उसने आपको बोला कि भाई के क्या है, कोई इंटीजर है, तो सारे इंटीजर्स के लिए आपको चेक करना पड़ेगा ना. तो इसमें एक स्पेशल इंटीजर है 0, तो अगर हम के की वैल्यू 0 रखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी. ध्यान से चेक करिए, x की जगह तो a रखना है, तो x की जगह आपने क्या रखा, a बाय k की जगह आपने 0 रखा, ठीक, यहां पर भी a बाय k की जगह अगर आप 0 रखोगे, 0 के अलावा k की कोई भी वैल्यू होगी ना, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है. k की वैल्यू 2 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, लेकिन जैसे k की वैल्यू 0 सिलेक्ट करेंगे, a बाय 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक. लेफ्ट हैंड साइड क्या है, नॉट डिफाइंड. इसी तरीके से इसका राइट हैंड साइड भी क्या है,
नॉट डिफाइंड। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चों, नॉट डिफाइंड का मतलब है मैथ्स में इसको परिभाषित ही नहीं किया गया है, नहीं किसी को पता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। और जब आपको पता ही नहीं है कि इसकी क्या वैल्यू होगी और इसकी क्या वैल्यू होगी, तो दोनों आपस में कैसे इक्वल हो सकते हैं, कैसे आप बोल सकते हो कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक, तो ध्यान से सुनो, ऑप्शन बी यहां पर ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम के की वैल्यू जीरो चूज करेंगे तो फॉर के इज इक्वल टू जीरो, इसका लेफ्ट हैंड साइड भी नॉट डिफाइंड आएगा, इसका राइट हैंड साइड भी नॉट डिफाइंड आएगा। और जब टू क्वांटिटीज नॉट डिफाइंड है जिनके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये इक्वल है? ठीक, तो इसलिए ऑप्शन बी इज नॉट ट्रू, और जो ट्रू नहीं था उसमें हमको टिक लगाना था। ठीक, चलिए और भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अगर हम ऑप्शन सी को चेक करें तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या आपका x माइनस के, ये हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं स्टूडेंट्स। और x की जगह अगर मैं a रख दूंगा तो a माइनस के आ गया, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, राइट हैंड साइड। अब आप चेक कर लो इसका लेफ्ट हैंड साइड भी कितना आ रहा है, a माइनस के, राइट हैंड साइड भी कितना है, a माइनस के। ठीक है, तो k की कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर रख सकते हो, आपको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल मिलेगा। इसी तरीके से डी ऑप्शन में देखिए, अगर डी ऑप्शन में हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं x प्लस के, तो x की जगह अगर हमने a रखा और यहाँ प्लस है प्लस लगा दिया, तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। अब आप k की वैल्यू कुछ भी रखो, जीरो रखो, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, कुछ भी रखो, ठीक, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। इसलिए ऑप्शन डी भी करेक्ट है। तो जो करेक्ट नहीं था हमको उस पर टिक लगाना है, यानी कि ऑप्शन बी इज द इनकरेक्ट, विच इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू फॉर k इज इक्वल टू जीरो। ठीक, ओके। अब इस क्वेश्चन में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको यह पढ़ाना चाहता था कि एनी नंबर अपॉन समथिंग नॉट डिफाइंड, याद रखिएगा ए अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड। यहां पर ए क्या है, कोई रैशनल नंबर हो सकता है, ओके, या ए कोई इंटीजर भी हो सकता है। ठीक, बात समझ में आ गई, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए।